नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारी मतों से 12 मई 2019 को दिल्ली के लोगों ने छठवां लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार भारत में मनाया गया। अब सातवां चरण का समय चलना शुरू हो गया है। 23 तारीख से चुनाव का परिणाम आना शुरू हो जाएगा और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत के कोने कोने में इस समय लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार चल रहा है, लोगों ने यह मना रहे हैं। 23 तारीख के ईवीएम से निकलने वाला लोकतंत्र का क्या नाम है? नाम रामेश्वर दास शर्मा जी। आज जो है 12 तारीख है, तो आप दिल्ली में इस समय वोटिंग चल रहा है, तो आपने वोट दे के आए सर? वोट दे के आया सर। उंगली दिखाइए आप जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का जो त्यौहार है, ये बढ़िया तरीके से सब आदमी को जाना चाहिए निकल के, और वोटिंग वगैरह देनी चाहिए, अच्छा प्रत्याशी चुनना चाहिए जो अपना काम करे जी। आपने जी आप कितने बजे उठ गए थे सर? 4 बजे उठा था। तो क्या क्या किए? सैर करने गया, घूमने गया, उसके बाद वहाँ से आया, चाय फाय पी, नहाया धोया और मैं 7 बजे वोटर रूम पहुँच गया। वहाँ सबसे पहले नंबर मैंने ही वोट दिया उसमें जी। आप एक सीनियर सिटीजन हैं, बहुत अच्छी बात है। तो और लोगों को कितना जागरूक किए वोटिंग के लिए? वोटर जो मिला उसे कहा वोट देने जाओ, अपने बच्चों से भी कहा जी। और क्या बताना चाहते हैं देश दुनिया को? मैं यही बताना चाहते हैं जी कि वोट हर व्यक्ति को देना चाहिए, उसका अधिकार है जी। सरकार आग देने गए थे, कैसे लगा? बहुत बढ़िया लगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। और ये मोदी टावर मिलेगी, दोबारा सरकार बनेगा। और भीड़ भाड़ कैसा था? बहुत बढ़िया था, अच्छी सरकार मिलेगी हमें। क्या नाम सर जी आपका? परवेज आलम जी। आप ये बताइए, लोकतंत्र का त्यौहार मनाए जी, कितने बजे? क्या लाइन लगा है बहुत ज़्यादा? ज़्यादा लाइन नहीं है, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है जी। जी और बढ़िया वोटिंग चल, कोई समस्या नहीं हुई ना? समस्या नहीं, गोपालपुर के अंदर में बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ हाँ, पुलिस वाले जवान लगे हुए हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो हेल्प के लिए काफ़ी लोग हैं। लोकतंत्र का त्यौहार कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा है, हंसी खुशी से सभी नहा धोकर सुबह सुबह 8 बजे तैयार होकर वोट के लिए तैयार हो गए और जा रहे हैं और जी होकर के जा रहे हैं जी। तो आप और क्या बताना चाहते हैं लोगों को कि लोग और घर से निकले जो वोटिंग के लिए उनका मन नहीं है? घर से निकले, अपना 5 साल का त्यौहार है ये, जिसको जो मर्जी हो दे, लेकिन घर से निकले। 5 साल के लिए पछतावा तो नहीं होगा कि मैं वोट नहीं करा जी। जी और कुछ बताना चाहते हैं? बस थैंक यू। अभी तो इनके भीड़ लगा हुआ है। क्या नाम है आपका सर जी? भीड़ खत्म है तो आप जानते हो जी, नरसिंह जी। तो आप जो है वोटिंग करिए ही नहीं जी? हाँ जी। तो वोटिंग के लिए आप क्या बताना चाहते हैं, कितना अच्छा लगा आपको? आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है भारत में, वो भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, और 12 तारीख का कितना अच्छा मानते हैं लोकतंत्र को? बहुत अच्छा मानते हैं जी। आप उंगली दिखाइए, वोट दे के आए? हाँ, वोट देखे तो आगे, सही कह रहे हो। तो कैसे लगा आपको? भीड़ भाड़ था या वैसे? भीड़ भाड़ उतना नहीं है, लेकिन तो सही है, अपने बहुत अच्छा है। अपने आसपास के लोगों को भी बोलना कि वोटिंग वगैरह करें, ठीक है? क्या क्या नाम सर जी? मेरा नाम जगवीर जी। जी जगवीर जी, आप बताइए, आज 12 मई है और वोटिंग का सबसे बड़ा शुभ दिन है, आप वोटिंग करिए क्या? नहीं, अब जा रहे हैं हम। अच्छा, आप जा रहे हैं, बहुत कितना खुश है आप? अब बहुत बड़ी जी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार जो है मनाया जा रहा है पूरे भारत में, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग बाहर निकलें वोटिंग के लिए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश दें? जो जो बढ़िया लगे, बढ़िया है वो होना चाहिए देश के लिए। और कुछ कहना चाहते हैं? मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं गोपालपुर क्षेत्र में हूं और यहां के मतदाता से जानने निकला हूं कि आखिर में ये कितने खुश नजर आ रहे हैं, और ये भी जानना चाहता हूं कि यहां के मतदाता क्या कल वोट देने जाएंगे। इस मुद्दे पे हम बहस करेंगे और लोगों से बात कर रहे हैं रास्ते में आते जाते लोगों के। यहाँ नागरिक तिमारपुर क्षेत्र के हैं और मैं जानूंगा यहाँ पे किस तरह से सोचते हैं, कल क्या वोटिंग के लिए निकलेंगे। बहुत से लोग होते हैं कि
और चुनाव का दिन सबसे महत्वपूर्ण है और लोग दिल्लीवासी क्या कैसे आप सोचते हैं लोग निकलना चाहिए वोटिंग के लिए? महत्वपूर्ण के दिन को सोचना चाहिए और वोट देना एक जिम्मेदारी होती है नागरिक का। जी जी, अपनी जिम्मेदारी को समझे चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट दे। जी, वोट देना उसका कर्तव्य होता है। जी, और क्या बताना चाहते देशवासियों को? जिधर आपको सुविधा मिले उधर ही जाओ। आप क्या काम करते हैं सर? मैं नगर निगम में काम करता हूँ, कच्चे में नौकर हूँ। जी जी सर, चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो नवयुवक हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, कुछ लोग होते हैं जो विकलांग होते हैं, कुछ लोग होते हैं बुजुर्ग नहीं चल पाते हैं, उन्हें कितना सहायता करना चाहिए? सबसे पहले तो महिला को सुविधा देना चाहिए, ताकि महिला को बहुत दिक्कतें होते हैं जिनके सामना करना पड़ता है, खास तरह से आपका स्कूल, डॉक्टर, रोड और रोड और प्रशासन। जी जी, ये चारों चीज़ों पे ध्यान देगा। जी, बस इतना ही नहीं। तो अपने देश की मजबूती के लिए चलते चलते क्या बताना चाहते हैं? यही हमारा सरकार आए, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार आए, हमारे देश की मजबूती यही है। जी, किसे ध्यान रखना चाहिए ज्यादातर, किस मुद्दे पे ध्यान रखना चाहिए? ऐसे तो बीजेपी के मुद्दे पे ध्यान ज्यादा दे रहे हैं लोग, विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे या स्कूल के, विकास के मुद्दे पे अभी बीजेपी चल रहे हैं। जी, और आगे भी शायद चल सकते। और क्या बताना चाहते हैं? बहुत बहुत अच्छा है। लोगों को निकलना चाहिए, महिलाओं को वोट डालने के लिए। जी, भैया बाबा, ये जो सरकार करेगी वो होएगा, हमारे तेरे करने से क्या होएगा? नहीं, जैसे कि लोग वोटिंग के लिए कल वोट है, वोट देने जाना चाहिए ना लोकतंत्र का। जाएंगे देने वोट। आप भी जाओगी ना, और अपने आस पड़ोस को भी जागरूक करना। टाइम्स 12 मई को देखा कि चुनाव के वक्त पर रोड पर क्या नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल खाली है, कुछ ही सवारियाँ चल रही हैं, लोगों को इस समय दिक्कतें हो रही है क्योंकि इस समय लोकतंत्र का त्यौहार मनाया जा रहा है और लोग अपने अपने जगह पे वोटिंग कर रहे हैं, इसलिए रोड आज खाली है। बस भी बहुत सारी खाली पड़ी हुई है और कुछ लोग हैं वोट देने जा रहे हैं, कुछ लोग हैं कि वो घर की वोट दे के घर की वापसी की तरफ जा रहे हैं, कि बहुत से लोग होते हैं कहीं इधर उधर चले जाते हैं या कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।